Hey, welcome back. I'm Niram Hingu and I'm a spiritual coach, numerologist, graphologist, signature reader and a face reader. And I've been starting my today's YouTube video on Lord Ganesha. So I've been speaking more into the Hindi rather than going on to the English video just to cater my audience in India. So, dosto namaskar, mera naam hai Niram Hingu aur main numerologist hu, graphologist hu, signature reader, face reader aur vastu consultant. और आज मैं एक विषय पर बात करना चाहूँगा, वो है भगवान श्री गणपति के ऊपर. भगवान गणपति का वो गोपनीय श्लोक, वो गोपनीय स्तोत्र जिससे किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति पूर्ण रूप से संभव है. क्योंकि ये कोई बनी बनावट की बातें नहीं, ये कोई स्क्रिप्चर की बात नहीं करो, कोई थियोरिकल बात नहीं करो. मैं बात कर रहा हूँ अपने जीवन के अनुभवों से. छोटे से इस जीवन के अनुभवों में मैंने जब जब भगवान गणपति का स्तोत्र का उच्चारण किया, जब भी कोई व्यक्ति बहुत ही सीवियरली बीमार रहता है, तभी मैंने इस स्तोत्र का 51 पाठ किया, कभी कभार 108 पाठ किया, और उससे मुझे जो लाभ मिले हैं वो अनगिनत हैं. तो आज मैं भगवान गणपति, जो कि प्रथम पूजित माने गए हैं हिंदू शास्त्रों में, उस भगवान गणपति की स्तोत्र की बात करना चाहूँगा, जिसको कहते हैं मयूरेश स्तोत्र. ये तांत्रिक स्तोत्र हैं जो काफ़ी गोपनीय रहा है आध्यात्मिक विज्ञान और गुड़ विज्ञान के अंतर्गत, और इसलिए बहुत कम तांत्रिक और मानसिकों को इस गुड़ स्तोत्र के बारे में ज्ञान है. जहाँ तक मैं जानता हूँ, इंटरनेट पर केवल मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने गणपति स्तोत्र का उच्चारण और उसका एक प्रकार का साक्षात्कार लोगों को दिया है. मैंने अपने ब्लॉग पर भी इसके ऊपर विस्तार से बताया है कि गणपति स्तोत्र क्या है और उसको कैसे उसका उपयोग किया जाता है. और मयूरेश स्तोत्र नाम से मैंने अपने ब्लॉग पर लिखा है, आप मेरे ब्लॉग पर भी जा सकते हो, www.occultspeak.com. ठीक है, ऑकल्ट क्या शब्द है इसके ऊपर मैं अलग से एक विषय पर चर्चा करूँगा. फिलहाल अभी बात करते हैं भगवान मयूरेश स्तोत्र के ऊपर. मयूरेश स्तोत्र विशेष रूप से कहते हैं कि मानसिक तनाव और रोगों पर बहुत अच्छा काम करता है. और मेरे जीवन के अनुभव रहे कि जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो आईसीयू में हो, काफ़ी कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो, तो मृत्युंजय मंत्र तो अपना काम करता ही है, लेकिन साथ साथ में मृत्युंजय स्तोत्र के साथ साथ में मृत्युंजय महामंत्र जके महामंत्र जब जो 1,25,000 होना चाहिए उसके साथ में, यदि 108 बार या 51 या फिर 108 बार, मूल रूप से कहो तो 108 बार इस स्तोत्र का नित्य रात्रि को 10 बजे के बाद जाप किया जाता है, तो 101% जैसे 11 या 21 दिन का यह अनुष्ठान ख़त्म होने आता है, तब तक रोगी को काफ़ी राहत अनुभव होती है. ये मेरा वर्षों का अनुभव रहा है. तो अभी मैं इस स्तोत्र का उच्चारण करूँगा और बाद में इसकी विधि बताऊँगा कि किस प्रकार के इस विधि को संपन्न करते हैं जिससे कि रोगों पर इसका तात्कालिक लाभ होता है. और ये ज़रूरी नहीं कि रोगी खुद करे, यदि रोगी स्वयं इतना असमर्थ हो कि वो बैठ कर इस स्तोत्र का उच्चारण नहीं कर सकता, तो वो अपने किसी रिश्तेदार को या ब्राह्मण पंडित से भी जिसका पाठ करवा सकता है. यदि आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपका भाई बहन, माता पिता, कोई भी बीमार हो, तो ज़रूरी नहीं कि वे ही स्तोत्र का पाठ करें, आप भी कर सकते हो और आप अपने स्वयं के लिए भी कर सकते हो. अभी मैं स्तोत्र का उच्चारण करूँगा ताकि आपका उसका उच्चारण का सही ज्ञान हो सके. स्तोत्र का हमेशा मुख से उच्चारण होता है, स्तोत्र कभी मन ही मन नहीं बोलना चाहिए, जबकि मंत्र जब मन ही मन बोलना चाहिए. ये एक क्या कहते हैं, ये एक डिफरेंस है स्तोत्र और मंत्र में. ठीक है, तो अब मैं इस मंत्र का, इस स्तोत्र का उच्चारण करता हूँ. मयूरेश स्तोत्र, मयूरेश स्तोत्र है जो ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है, और ब्रह्मा जी उपासना करते हैं भगवान गणपति की और प्रार्थना करते हैं कि लोगों का कल्याण हो, इसलिए यही मैं प्रार्थना के साथ आपके स्तोत्र का उच्चारण कर रहा हूँ. ब्रह्मा जी कहते हैं, पुराण पुरुषम देवम नाना कृदा करम मुदा माया विंतम दुर्विभाव्यम मयूरेशम नमाम्यहम परात्परम चिदानंदम निर्विकारम हृदिष्ठितम गुणातीतम गुणमयम मयूरेशम नमाम्यहम सूजयंतम पालयंतम च निछेदया सर्वविद्यम हरम देवम मयूरेशम नमाम्यहम नानादैत्य निहंतारम नानारूपाणि विभ्रदम नानायुद्ध धर्म भक्त्वा मयूरेशम नमाम्यहम इंद्रादि देवता वृंदो बृष्टु महानिशम सद व्यक्त व्यक्तम्यम व्यक्त मयूरेशम नमाम्यहम सर्वशक्ति मयम देवम सर्वरूप धर्म विभुम सर्वविद्या प्रवक्तायम सर्वविद्या प्रवक्तारम मयूरेशम नमाम्यहम पार्वती नंदनम संभोरा नंद परिवर्धनम भक्तानंद करम नित्यम मयूरेशम नमाम्यहम.
मुनि जेयम मुनि नूतम मुनि कामम प्रपूरकम समिष्ट वैष्णव रूपम ताम मयूरेशम नमाम्यहम सर्वज्ञान निहंतारम सर्वज्ञानम करम सुचिम सत्यज्ञानम वयम सत्यम मयूरेशम नमाम्यहम अनन्य कोटि ब्रह्मान नायक जगदीश्वरम अनंत विभम विष्णु मयूरेशम नमाम्यहम इदं ब्रह्मकरम स्तोत्रम सर्व उप सर्व पाप प्रसारणम सर्व काम व्रतम नत्वा सर्व उपद्रव नाशनम काराग्रह गतानां च मोचनम दिन सप्तकात आदि व्याधि हरम चेव्य मुक्ति मुक्ति प्रदम शुभम इति श्री गणपति मयूरेष्टम स्तोत्रम समाप्तम। तो ये मैंने मयूरेश स्तोत्र का पाठ किया। अब कैसी पूजा विधि होती है इस बारे में मैं चर्चा करूँगा। आपको किसी भी महीने की किसी भी हफ्ते के मंगलवार को बैठ जाना है। श्रेष्ठ अच्छा रहेगा कि चतुर्दशी या संकष्टी पर बैठा जाए। यदि वो डेट आपके लिए उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी मंगलवार को भी बैठ सकते हो। अगर मंगलवार भी उपलब्ध ना हो तो किसी दिन भी ये साधना प्रारंभ की जा सकती है। रात को 10:30 बजे बैठना है, स्नान करके पूजा कक्ष में बैठ जाना है। और आपको पुरुष है तो आपको धोती पहननी है, ऊपरी वस्त्र कुछ नहीं पहनना। अगर ठंड लग रही हो तो आप एक हल्का सा चादर जैसे गायत्री मंत्र का रहता है पीले रंग का, वो आप ओढ़ सकते हो। और उसके बाद आप अपने पीले या लाल आसन पे, अच्छा रहेगा लाल आसन पर बैठ जाइए। और उसके बाद सामने चौरंगी पर, जिसको बाजोट बोलते हैं गुजराती में और हिंदी में और इंग्लिश में उसको वुडन प्लैंक बोलते हैं, उस वह सामने स्थापित करना है। और आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके पश्चात आपको सामने बाजोट पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है, यानी आसन भगवान गणपति के लिए। फिर यदि आपके पास गणपति की मूर्ति हो या छवि हो, फोटो फ्रेम हो, वो स्थापित करें। उसको पंच उपचार से पूजन कीजिए, जो भी गणपति मंत्र आपको आता हो। एक सरल मंत्र है शास्त्रों में जो सर्वविदित है, वो है ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र से आपको गंध लगाना है उनके दोनों भ्रुकुटी के बीच में, भ्रुकुटी बोलते हैं इसको, जो दोनों आँखों के बीच का जो क्षेत्र है, पेशा नेत्र है, वहाँ आपको केसर लगाना है, केसर या कुमकुम या चंदन जो आपके पास हो। उसके बाद वही मंत्र बोलते हो आपको अक्षत यानी कि चावल लगाना है। ओम गं गणपते नमः अक्षतम समर्पयामी, ओम गं गणपते नमः गंधम समर्पयामी। फिर पुष्प चढ़ाना है, पुष्पों का हाल कनेर का पुष्प या जो लाल रंग के पुष्प होते हैं गणपति को चढ़ते हैं, जासमन के वो भी लगा सकते हो या कनेर के पुष्प भी आप चढ़ा सकते हो। और यही मंत्र बोलना है ओम गं गणपते नमः पुष्पम समर्पयामी। फिर धूप, आपको धूप अगरबत्ती लगानी और उससे आरती करनी है। ओम गं गणपते नमः धूपम समर्पयामी। फिर आपको घी का दिया जलाना है और उससे आरती करनी है गणपति की। ओम गं गणपते नमः दीपम दर्शयामी। और उसके बाद नैवेद्य के फॉर्म में आप मोदक लड्डू, बेसन के लड्डू, मिठाई जो आपको उचित लगे वो आप डाल सकते हो, पीले रंग की या मिठाई हो। अगर वो भी ना हो तो आप केला या भी जो भी सीजनल फ्रूट आपके पास हो, वो भी ना हो तो आप गुड़ भी चढ़ा सकते हो या शक्कर भी चढ़ा सकते हो नैवेद्य में। और उसके बाद आपको दाहिने हाथ में जल लेना है और ये संकल्प लेना है कि जैसे अगर मैं अगर आज कोई मंत्र जप कर रहा हूँ अपने पिता के लिए या अपने भाई के लिए, तो मैं इस तरह से संकल्प लूँगा। संकल्प एक प्रकार से एग्रीमेंट होता है आपके और इस देवी देवताओं के बीच में। तो आपको हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि मैं नीरव हिंगू अमुक का पुत्र यानी अपने माँ बाप का नाम लूँगा और आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, आज भाद्रपद की द्वादशी को, आज है लगभग शुक्रवार की तिथि को मैं अपने भैया के लिए उनके समस्त प्रकार के रोगों की मुक्ति के लिए 108 पाठ करने का मैं संकल्प ले रहा हूँ पूर्ण 11 दिन तक। अगर आप 11 दिन तक लेते तो 11 या फिर 21 दिन तक, और ऐसा बोलते जल आपको छोड़ देना है। फिर आपको इस गणपति स्तोत्र का 108 बार पाठ करना है। मैं लिंक में इस स्तोत्र का आपको पूरा डाल दूंगा और आप चाहे तो मेरे ब्लॉग पर भी पढ़ सकते हो, और आप चाहो तो लिंक पर मैं दे दूंगा, नीचे लिंक पर दिया हुआ है वहाँ पर आपको मैं स्तोत्र दे दूंगा। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके वर्ड फाइल में डाल सकते हो और प्रिंट आउट करके रख सकते हो अपने पास। तो दोस्तों ये बात मैंने कही भगवान गणपति के ऊपर से। आने वाले एपिसोड में मैं और भी अलग अलग विषयों पर आऊँगा। और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, शुभ रात्रि।